दोस्तों ये बात है 3 अप्रैल 2024 की, जब ताइवान के अंदर 7.2 मैग्नीट्यूड की तीव्रता का भूकंप आया। इस भूकंप के कारण बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खिसक गई और स्विमिंग पूल का पानी ऐसे हिलोरे खा रहा था जैसे कोई भूचाल आ गया हो। लेकिन इस सभी भूचाल के बीच पूरी दुनिया ताइवान के लोगों के लिए चिंतित थी। लेकिन इन सारी चिंता के बीच ताइवान के ऊपर चाइना ने एक ऐसी होची हरकत की जिसके ऊपर चाइना का क्रिटिसिज्म हो रहा है। 3 अप्रैल के दिन दोस्तों ताइवान के आइलैंड के पास चाइना ने 30 चाइनीज मिलिट्री के एयरक्राफ्ट भेजे और 9 नेवल की शिप भेजी। एक बार के लिए तो ऐसा लगा कि चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करने जा रहा है। हालांकि ये सिचुएशन तब बनी जब पहाड़ खिसक गए और पहाड़ खिसकने के साथ इस भूकंप के अंदर 7 लोगों की मौत हो गई और 77 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और 25 सालों के अंदर हिस्ट्री का सबसे बड़ा भूकंप ताइवान के अंदर आया है और अभी भी जान माल और लोगों को बचाने के लिए ताइवान की फोर्सेस लगी हुई हैं। लेकिन 3 अप्रैल को चाइना ने 30 चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट भेजे और फिर 4 अप्रैल को 7 नेवल शिप भी भेजी और 3 मिलिट्री के एयरक्राफ्ट भी भेजे। इन सारे हालातों के बीच ताइवान चिंतित है और यहाँ पर चाइना लकीर का फकीर होकर अपने काम को वैसे ही अंजाम दे रहा है। हालांकि इसीलिए पूरी दुनिया कम्युनिस्टों से डरती है क्योंकि ये इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट नहीं करते हैं और अपनी लकीर के ऊपर ही चलने वाले ये लोग हैं। और इन सब बातों के बीच नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करके ताइवान के लोगों के साथ संवेदना व्यक्त की और इस संवेदना के ऊपर ताइवान के राष्ट्रपति और उनके प्राइम मिनिस्टर ने एक यहाँ पर संदेश भी भारत के प्रधानमंत्री को दिया। हालांकि भारत के अंदर अभी इलेक्शन होने वाले हैं, देखना होगा कौन अगले प्राइम मिनिस्टर बनकर आते हैं। लेकिन आपका क्या कहना है आने वाले इलेक्शनों के अंदर कौन जीतेगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।